हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा मैथमेटिक्स का ये वीडियो है जिसमें हम लोग नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आयु से संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिन्हें इंग्लिश में एज रिलेशंस कहते हैं, के टॉपिक को कहते हैं, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे, जिसमें ये कंपटीशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं और ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। नहीं आएंगे तो एक आध क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। मोस्टली ये परीक्षा का बहुत अभिन्न हिस्सा है, जो आयु के संबंध में क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी की आयु कुछ है तो उससे कोई इतना वर्ष छोटा है, इतना वर्ष बड़ा है तो उसकी आयु बताइए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं। इसमें भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। लगभग करीब 5-6 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में इसके इससे रिलेटेड आते हैं। तो आज हम लोग कुछ इसके बेसिक चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे इनकी एज को निकाला जाता है और कैसे किन्हीं के बीच में संबंधों को जाना जाता है। तो ये कई सेगमेंट में आते हैं हमारे, कि जैसे कभी कभी योग आयु का योग निकालना होता है, कभी कभी आयु का अंतर निकालना होता है। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो मैंने बताया 5-6 प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे दो टाइप के क्वेश्चन, कि जब उम्रों के जो आयु का अनुपात जो होगा, आयु का जो योग निकालना हो, यानी कि जैसा कि टॉपिक में आयु के योग पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, आयु के योग पर आधारित और आयु के अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनको हम लोग देखेंगे आज प्रश्नों में। ठीक है, तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें किस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में पहला लिखा है, यहाँ पर टाइप वन लिखा हुआ है। ठीक है, टाइप वन प्रकार का क्वेश्चन है और ये आपका टाइप टू प्रकार का क्वेश्चन है। टाइप टू, ठीक है, ये टाइप टू का आपका प्रश्न बनेगा। ठीक, टाइप वन में देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। टाइप वन में है आयु के संबंध में हमको योग निकालना है, योग पे आधारित प्रश्न होगा। तो प्रश्न में देखिए योग ही ज्ञात करने को कहा होगा, कहीं पर भी देखिएगा तो लिखा होगा वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और योग पे बेस्ड है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने इसको क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है, इसका क्लासिफिकेशन ये एग्जाम में आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। अब योग कैसे पता चलेगा, मैं आपको अभी प्रश्न पढ़ दिए फिर मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए और बी किसी व्यक्ति के भी नाम हो सकते हैं, यहाँ पर नाम ए बी करके रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का मतलब ए और बी की वर्तमान आयु, जो आज की करंट आयु इनकी है, का योग 22 वर्ष है। ठीक है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है हो, ए जो हो ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, तो ए की वर्तमान आयु यानी ए की आयु हमको ज्ञात करनी है और ए जो होंगे वो बी से 4 वर्ष बड़े होंगे। तो जब कोई बड़ा होगा और हमें पता ए बी की किसी की आयु नहीं पता है, तो हमें जब किसी की नहीं पता है तो यानी ए जो है बड़े हैं, तो हमें कोई चर राशि मान रखना पड़ेगा। यानी क्योंकि ए बी इसमें दिया हुआ है तो हम ए और बी नहीं मान सकते, पी क्यू मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, इस तरह के समीकरण मान करके हम लोग काम करेंगे। बहरहाल यहाँ पर समीकरण आपको एक ही कोई राशि माननी पड़ेगी जो इनकी कॉमन एज में वर्क करे, चाहे आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं। वैसे नॉर्मली लोग x ही मानते हैं, तो आप x मान करके सवाल को करेंगे। अब देखिए जैसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहली चीज़ तो ये a और b को हमने कुछ दिया ही नहीं है, इनकी आयु 22 वर्ष कह रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर क्या है, 22 वर्ष है, ये दे रहा है। लेकिन हमें ए नहीं पता है कितने वर्ष के हैं, बी नहीं पता है, दोनों के बारे में, किसी एक के बारे में अगर हमें पता होता तो हम लोग समीकरण सॉल्व करके निकाल लेते हैं आंसर को। लेकिन हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बस हमको इशारे में बताया गया है यदि ए के बारे में, यानी इनके बारे में कह रहा है, यदि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़े हों, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो भी राशियां हैं इनको हम एक्स मान लेते हैं। कि माना, ऐसे मान लीजिएगा, माना कि ए एक्स एक्स वर्ष है इनकी आयु, माना एक्स वर्ष है। ठीक है, क्या है, एक्स वर्ष है, माना एक्स वर्ष है। ठीक है, अब बी को मान लिया, इनको भी एक्स मानिए अभी मौके पे, दोनों को एक्स। हालांकि आप एक्स दोनों को नहीं मान सकते हैं, लेकिन अभी सबकी एज को एक्स जब मानेंगे तो अभी इस कंडीशन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है, ए महोदय बड़े हैं, किससे, बी से। तो यानी कि बी की अगर एक्स एज हो तो ए की आयु क्या होगी, एक्स प्लस 4 हो जाएगी, एक्स प्लस 4 वर्ष हो जाएगी और इनकी एक्स वर्ष हो जाएगी।
समझ रहे हैं बात को थोड़ा सा हमारे, तो कोई भी मान यहाँ पर एक ही राशि, अगर चूंकि दो राशि मान लेंगे एक्स वाई मानेंगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको एक्स का मान निकालना है, एक्स मान निकालने के लिए कोई सम राशि माननी पड़ेगी। वाई वाई मानते तो वाई वाई मान सकते थे, पी पी मानते तो पी पी मान सकते थे, वैसे सभी लोग जो है एक्स मान करके ही क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ एक्स वाई दिया होता तब यहाँ पर आप कुछ और मानते, ए बी मान लेते, ए मान लेते आप, ए मान के करते, पी मान के करते, वहाँ पर ए बी दिया है तो इस नाते एक्स मान करके ही करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया गया कि हमारा इनका भी एक्स इनका भी एक्स, लेकिन अंतर एक में दे दिया है, तो उसमें से यहाँ पर क्या कह रहा है, योग कह रहा है, यानी जोड़ पर आधारित, इसी नाते ये प्रश्न कैसा है, योग पर आधारित है। यहाँ कह रहा है ए जो है वह चार वर्ष बड़े हैं किससे, बी से, तो बी का अगर एक्स है तो ए का क्या होगा, एक्स प्लस फोर होगा, क्योंकि किसी का नहीं पता है। क्लियर, तो ये चीज़ आपको निकल के आई, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये चीज़ तो हमारी निकल के आ गई ये चीज़, ठीक है, यानी बी की जो हमारी जो एज होगी वो क्या होगी, एक्स वर्ष होगी, ए की आयु जो होगी एक्स प्लस फोर वर्ष होगी। क्लियर, अब देखते हैं इसको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसी चीज़ को सेम इसी समीकरण में इन मानों को हमको फिल कर देना है। कैसे फिल कर देना, ए की आयु क्या कहा है, एक्स प्लस फोर वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है, योग बताया था यहाँ पर शुरू में, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कहाँ है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। क्लियर है, तो यहाँ पर ए की आयु की जगह पर एक्स प्लस फोर कर देंगे और बी की आयु की जगह पर हम क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, चूंकि एक्स हमने मान रखा है। ठीक है, अब बराबर 22 कर देंगे, अब इसको हम और सरल कर लेंगे, सीधे से ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो एक्स प्लस फोर प्लस एक्स बराबर 22, ये हो गया हमारा। क्लियर, आगे इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक एक्स एक एक्स टू एक्स हो जाएगा, बराबर करेंगे, फोर को क्या करेंगे दूसरे पक्ष में कर देंगे, क्यों, क्योंकि समान राशि है तो घट उधर जाएगी, तो घट जाएगी, माइनस फोर कर देंगे। क्लियर, आप तो इतना समझ रहे होंगे, एक्स बराबर यहाँ पर देखेंगे 22 में से चार जाएगा तो 18 हो जाएगा, ये दो इसके नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा 2 9 18, यानी एक्स का मान कितना आया 9, और 9 देखते हैं एक्स का मान जो आया वो 9 आया, ये एक्स किसकी आयु है, एक्स की आयु बी की आयु है, बी की आयु एक्स है, हमें निकालना क्या है, ए और बी, ए बी से चार वर्ष बड़ा है, ए बी से चार वर्ष बड़ा, यानी एक एक्स प्लस फोर हमने किया ही है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या, ए की वर्तमान आयु देखनी है, यहाँ पर एक्स की आयु अभी हमारी निकल के आई, एक्स यानी कि बी की आयु निकल के आई हमारा। ठीक है, एक्स चूंकि एक्स का मान हमने बी के बराबर माना था, बी का आयु हमने एक्स मान लिया था, तो बी की आयु जब निकल गई तो उसी में इनकी ए वाली आयु में हम जोड़ देंगे, तो ए वाली आयु में क्या हो जाएगा, x प्लस फोर है ना बेटा, x प्लस फोर है, तो x प्लस फोर में x की जगह पे 9 है और ये 4 तो था ही, इनकी आयु 4 पहले थी, तो इसको जोड़ देंगे हम, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13, तो ए की आयु जो हमारी निकल के आई 13 वर्ष निकल के आई। अब इसे प्रूफ भी हो गया क्वेश्चन में, देखिए क्या है, अगर इनकी आयु देखा जाए, ये ए जो है 4 वर्ष क्या है उनसे बड़े हैं, किससे, बी से, तो बी की अगर 9 वर्ष हो गई तो 9 4 देखिए 4 वर्ष बड़े हैं तो 13 वर्ष इनकी आयु हो गई, ये भी प्रूफ हो गया आपका। क्लियर, तो इसी तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसमें रमेश और गणेश मिल करके इस समय 28 वर्ष के हैं, यानी कि फिर वही मतलब हो गया, क्या हो गया, रमेश जी हैं और कौन है, प्लस कौन है, गणेश जी, गणेश जी हैं, रमेश और गणेश जी ये दोनों मिल करके इस समय इनकी आयु कितनी है, 28 वर्ष है। ठीक, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष बड़े हैं, क्या कह रहा है, गणेश जो हैं कौन बड़े हैं, गणेश रमेश से 6 वर्ष बड़े हैं, देखिए छोटा लिखा है बेटा, सॉरी, क्या कह रहा है, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटे हैं तो कौन छोटा है, रमेश से, यानी रमेश बड़े हुए और गणेश जो है उनसे क्या है, यदि गणेश रमेश से जो है 6 वर्ष छोटे हैं तो यानी बड़ा कौन हुआ, रमेश बड़े हुए, अब छोटे कौन हुए, गणेश जी हुए, तो गणेश में क्या कर देंगे, गणेश का जो है गणेश में से 6 वर्ष हम घटा देंगे। ठीक है, तो गणेश जैसे मान लो इनका जब हम गणेश को घटाएंगे, चूंकि छोटे गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटे हैं, कौन, गणेश जी, तो गणेश जब छोटे हैं तो इनको हम या तो घटा सकते हैं, इनको या तो घटा के निकाल देंगे या तो रमेश में 6 वर्ष जोड़ देंगे, हम दोनों कंडीशन कर सकते हैं अपने आप में। ठीक है,
तो इसमें से हमको करना क्या होगा कि गणेश जो हैं या रमेश से 6 वर्ष छोटे हैं, तो रमेश से 6 वर्ष छोटे हैं, तो रमेश से 6 वर्ष छोटे हैं का मतलब जो कौन छोटे हैं, गणेश छोटे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, वही चीज़ मानना है, क्योंकि गणेश और रमेश किसी की आयु हमको पता है नहीं, ठीक है, किसी की आयु पता है नहीं, बस इतना पता है कि गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटे हैं। तो 6 वर्ष छोटे होंगे तो या तो हम गणेश में, मतलब हमको अगर निकालना हो तो गणेश में करेंगे, इनके में जोड़ सकते हो, ऐसे सीधा सा इसका सिस्टम इसको करेंगे, सीधा सवाल इसको करेंगे, तो रमेश से 6 वर्ष छोटे हैं तो रमेश में से क्या कर देंगे, हम 6 वर्ष घटा देंगे, रमेश की आयु में से 6 वर्ष घटा देंगे। तो अभी हमको किसी की ज्ञात है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां से क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है। गणेश जो हैं, ठीक है, अब इनका हमको मान पहले मानना पड़ेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में x माने थे, ठीक है, तो इनकी भी आयु को मान लीजिए x है, गणेश की आयु को पहले रमेश हैं, इनकी भी आयु x मानिए, इनकी भी आयु x मानिए, दोनों की x मान लीजिए। अब कौन किससे छोटा है उसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इसको सरल कर लीजिए, दोनों की माना सबकी आयु कॉमन में x मान लिया। अब कह रहा है यदि गणेश जो है, यानी गणेश इनके बारे में कह रहा है, गणेश रमेश से कितने हैं, रमेश से 6 वर्ष छोटे हैं, रमेश से, ठीक है, रमेश से गणेश जी छोटे हैं, तो किसमें से किसको हम लोग घटाएंगे इसमें से। देखिए इस प्रश्न में यही बारीकी देखनी है, बार बार आपको क्वेश्चन तो बहुत सरल होता है, दोनों का योग निकाल करके, दोनों का योग दिया होता है तो दोनों में से मान दोनों का निकाल लेना होता है तो निकल आएगा आपको। अब देखिए किसमें से क्या जोड़ेंगे, किसमें से क्या घटाएंगे, यही सवाल इसमें समझने की जरूरत है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, कौन छोटा है, कौन छोटा है, गणेश रमेश से छोटा, यानी बड़ा कौन हुआ भाई, ये बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, रमेश बड़ा हुआ ना, देखिए रमेश से छोटा है, रमेश बड़े हुए, तो रमेश बड़े हुए तो अब बताया क्या, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो यानी कि घटा दीजिए उसमें से, किसमें से घटा देंगे, -6 कर देंगे, किसमें से, किसके में से घटा देंगे आप, गणेश चूंकि छोटे हैं 6 वर्ष छोटे हैं तो गणेश जी 6 वर्ष छोटे हो गए, -6, तो दोनों का मतलब किसी के बारे में पता तो हमको है नहीं कि कौन कैसे क्या है, ये पता चला गणेश जी छोटे हैं। अब गणेश जी छोटे हैं, कितने वर्ष छोटे हैं, 6 वर्ष छोटे हैं, तो 6 वर्ष एक्स का मान हम लोग पता ही नहीं है किसी का क्या मान है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा होगा तो छोटे में क्या कर देंगे, उनको बता देंगे कि x माइनस सिक्स यानी 6 वर्ष छोटे हैं, x का जो मान आएगा उसमें से हम 6 वर्ष निकाल देंगे तो गणेश जी की हमारी आयु आ जाएगी, और जो x आएगा वो रमेश जी की हमारी आयु होगी। पहले वाले में क्या कहा था कि a b से 4 वर्ष बड़ा है, कौन बड़ा है, a बड़ा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स प्लस 4 किए थे a को, बी को एक्स माने थे। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ए बी ना कह करके रमेश और गणेश कर दिया है, ठीक है, तो जिसमें कहेगा जो छोटा है, जैसे मतलब कहा गणेश जो हैं 6 वर्ष छोटे हैं, किससे, रमेश से, तो रमेश को एक्स मानेंगे और गणेश को एक्स माइनस सिक्स मानेंगे। यही मानने में ही अगर आपने मतलब गलती की तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यही आपको इसमें क्वेश्चन को सिर्फ समझना था, इस नाते मैंने कई बार इसको रिपीट किया आपको कि क्वेश्चन में समझना क्या है, कि जो जैसा कहे उसमें आप अपने तरीके से कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, जो कहा है वही मान लीजिए आप। सीधे कहा है कि रमेश से गणेश जो है 6 वर्ष छोटे हैं, तो रमेश को आपने x माना, गणेश को x माइनस 6 मान लेंगे, ठीक है, तो ये कर देंगे। अब इतना सवाल आपको निकल के आ गया, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, रमेश, देखिए यहां पर पहले क्वेश्चन में कहा है रमेश और गणेश मिलकर के इस समय 28 वर्ष के हैं, यानी कि हमको इसी समीकरण में इनके मान को रखना होगा, बच्चों यही मान रखना होगा, किसके साथ, प्लस के साथ, तो अब यही चीज है, यानी कि यहां पर प्लस कर देंगे, बराबर 28 हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ठीक है, तो इसको x प्लस एक्स माइनस 6 इजकल टू 28 कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर 2x हो जाएगा, x टू एक्स हो जाएगा, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 6 इजकल टू x बराबर जब करेंगे तो इसको पहले जोड़ दीजिए, बटे में 2 करिए, यहाँ पर क्या 8 6 14 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे, 17 2 34 होता है 17, यानी x का मान जो है 17 आया, तो 17x का मान आया, x किसका मान दिया रहा है बच्चों, यानी इनकी रमेश जी की आयु कितनी हो गई, 17 वर्ष हो गई,
ठीक है, रमेश की आयु 17 वर्ष हो गई, क्योंकि एक्स का मान इनको माना गया था तो 17 वर्ष इनकी आयु हो गई। अब इसमें से क्या गणेश की आयु हमारे पूछे गए हमसे, गणेश की आयु बताइए, तो गणेश की आयु क्या कर देंगे, एक्स माइनस सिक्स, यही है गणेश जी की आयु, तो एक्स माइनस सिक्स कर देंगे। एक्स का मान क्या 17 है, माइनस सिक्स इज इक्वल टू आपका 11 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो इनकी आयु कितनी निकल के आई, 11 वर्ष निकल के आई। देखिए 11 वर्ष हो गई और ये इनके 17 वर्ष हो गई। अब क्वेश्चन में देखिए कहा था ना कि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो अगर रमेश 17 वर्ष का है तो ये 11 वर्ष का है, ये प्रूफ हो गया स्टेटमेंट, यानी कि आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो यह इनका आयु 11 वर्ष आई और इनकी आयु 17 वर्ष आई। ठीक है, रमेश की आयु 17 वर्ष आ गई और गणेश की आयु 11 वर्ष रह गई। दोनों के मध्य में जो अंतर 6 वर्ष का था वो भी आपका प्रूफ हो गया। क्लियर, तो इस सवाल को इस तरह से करेंगे। बाकी और जो डाउट्स थोड़े बहुत होंगे आपके, उम्मीद है डाउट सारे खत्म हो गए होंगे इसके, और एक्सरसाइज जब करेंगे तो हम और अच्छे प्रैक्टिस में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरी तरह का जो प्रश्न है इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, आयु में अंतर करना है बेटा। वहां पर क्या था, आयु में योग था, यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, ए प्लस बी की आयु का जो योग था 22 वर्ष था, यानी यहाँ पर योग था, यहाँ पर क्या होगा अंतर होगा यानी घटाना होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, घटाना हमको करना है। क्या करना है, मोनी सोनी है, कोई सोनी जी हैं, ठीक, क्या करना है पहले इसको समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7, सोनी और मोनी, ठीक है, सोनी और मोनी में से किसमें से किसको घटाएंगे पता नहीं हो सकता है, तो दोनों के मध्य में सोनी और मोनी, ठीक है, मोनी के मध्य में क्या है, वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो 7 वर्ष का अंतर दोनों में देखेंगे तो इस सवाल को इस रूप में आप लगा सकते हैं कि दोनों के मध्य में अंतर क्या है, 7 वर्ष का है, दोनों के मध्य में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन को इसको आप कर चाहे तो कर सॉल्व करके लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए सबसे अच्छी चीज तो क्या होती है, ये आपको करना है यानी अंतर निकालना है, यानी ये निकालना है। ठीक है, मोनी के मध्य में आयु में 7 वर्ष का अंतर जो पूछ रहा है हमारा, तो वो इसी क्रम में आप लोग देखेंगे। तो ये तो विधि हो गई कि मतलब सोनी और मोनी के जो अंतर है वो आपका 7 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पूर्व क्वेश्चन की भांति सोनी और मोनी के बारे में देखना होगा, इनकी आयु क्या दिया हुआ है, और नहीं दिया है तो हम कैसे उसको निकालेंगे। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में तो यही करना है, लेकिन यहाँ पर सीधा कोई सिस्टम दे नहीं रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए और जब प्रश्न में दिया हो, चाहे यहां पर किसी और का नाम हो चाहे ए बी करके दिया हो, तो हम करते क्या है इसमें कि अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है मोनी और आयु, मोनी की आयु सोनी की आयु की क्या है, यहां पर लिख रहा है 2/3। ठीक, तो इसी बिंदु को हम लोग पॉइंट करते हैं। अगर किसी की आयु के मध्य में कंपैरिजन तुलनात्मक दिया हो कि इनकी आयु या उनकी आयु, किसी की आयु किसी से 2/3 2/3 कह रहा हो, या कह रहा हो 1/3, या कह रहा हो 1/4, या कह रहा हो 3/4, अंतर है। ये हिंदी में भी लिख सके, क्या कह गया, 2/3, 1/3, 1/4 या 3/4, अंतर है। अगर ऐसा कर रहा है तो पहले आप तुलनात्मक कंपैरिजन करके आप उसके मान को बना लें अपना कि किसमें कितना अंतर आ रहा है, फिर उसको एक्स मान करके आप उन राशियों को रख दें। अब जैसे कैसे करेंगे आप इसको, तो जरा इसको देखिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, अगर किसी की आयु में अंतर 1/4 कह रहा है, 1/3 कह रहा है, 3/4 कह रहा है, 2/3 कह रहा है, तो आप उसमें तुरंत तुलनात्मक वर्ग करेंगे। तुलनात्मक वर्ग कैसे करेंगे, जैसे कह रहा है मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, कौन है, देखिए मोनी है, इनकी जो आयु है किसके बराबर है, देखिए मोनी की आयु सोनी की आयु की, तो सोनी सोनी है, सोनी की आयु की कितनी है, सोनी की आयु की 2/3 है, यानी 2/3 है, ये 2/3 है। मोनी की आयु सोनी की आयु की
2/3 है, जिसके बारे में यहां पर देखिए, जैसे हमने कहा था पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था कि यहां पर गणेश रमेश से छोटा है ना, तो कौन गणेश छोटा है ना, तो गणेश क्या हो गया था, x-6 गणेश का था। उसी तरह से यहां पर जब क्वेश्चन पूछेगा जिसके बारे में पूछेगा, जैसे मोनी की आयु सोनी से 2/3, तो जो सोनी दे रहा है तो सोनी का 2/3 आप ऐसे करेंगे, ठीक है, जो भी जिसका नाम दिया होगा ऐसे रिलेशन बना करके उन्हीं का कर देंगे, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे करके आप तुलनात्मक आपको निकालना होगा, तो आपको इनमें कंपेरिजन प्रतिशत निकालना होगा। कैसे निकालेंगे आप, मोनी की आयु बटे में आप इसको कर देंगे, इस पक्ष को इधर लेके चले आएंगे, यहाँ पर सोनी कर देंगे, ठीक है, मोनी सोनी, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये जो अनुपात आपका है, ये 2:3 का अनुपात हो जाएगा, 2/3 रह जाएगा, पक्ष में चलेंगे, इसको एक राशि अगर ऐसे मान लेते हैं तो ये इस पक्ष में आएगा, तो बटे ही हो जाएंगे सोनी ना, सीधे आएंगे, ये जिनका समीकरण सीधे रखा हो, इनका मान इसका, इसका मान इसका, ये सीधे हो जाएगा आपका, यानी कि मोनी की जो हो गई क्या है, मोनी की 2 हो गई और सोनी 3 हो गया। अब सीन 3 क्या, अब जरा समझिएगा, 2-3 हो गया, लेकिन हमने इनका कोई मान माना नहीं है अभी, तो इनके साथ क्या हो जाएगा, एक्स लग जाएगा और इनके साथ भी एक्स लग जाएगा, तब एक्स में यानी कि मोनी मोनी की जो आयु है वो 2x है, ठीक है, और सोनी की जो आयु है वो क्या है, 3x है, ये बन के आ गया आपका, तो 2x और 3x आ गया, तो यही चीजें जो निकल के हमारी आई इसको हम लोगों को यही फीड कर देना है, ठीक है, फीड कर देना है। क्या कह रहा है यहां पर क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रश्न में आप देखिए, ये मान आपको निकल आ गया, यानी कि 2x जो है वो मोनी जी का है और 3x जो है सोनी जी का, ये एज निकल के आ गए। अब जो समीकरण हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन दे रखा था, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में अंतर 7 वर्ष का है, तो सोनी की आयु क्या दे रहा है बेटा, 3x दे रहा है, ठीक है, मोनी की आयु चूंकि माइनस करना है हमको, यहाँ पहले से सिंबल दिया उसमें पहले वाले क्वेश्चन में योग पर था, ये क्या है, घटाने पर आधारित होगा, यानी आयु में अंतर ये निकालना है, तो यहाँ पर मोनी जी का जो आयु है वो क्या है, 2x है, ठीक है, बराबर 7 है, इसी समीकरण को आप सॉल्व कर देंगे, x का मान आपको आ जाएगा, और जब x का मान आ जाएगा तो इसी मान में आप इसको फिल कर देंगे। अब जरा हम लोग देखते हैं इसको, ये अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3x में से 2x चला जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, x बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीधा सीधा आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से क्या 3x है या 2x है, ठीक है, 2x में से 1x चला, अगर ये प्लस करना होता तो जुड़ता, माइनस करना इस नाते घटेगा, इस नाते यहाँ पे 3x में से 2x चला जाएगा तो x बचेगा, इस पक्ष में x बचा, बराबर 7 हो जाएगा सीधे, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। अब इन्हीं के मानों में यहाँ भर दीजिए, यानी इनकी आयु कितनी हो गई, 3×7 अगर कर देंगे आप तो क्या ना कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो गई, किसकी आयु निकल के आई, 21 वर्ष, सोनी की आयु निकल करके आ गई, और यहीं पर ही मोनी की आयु में देखेंगे 2×7 कर देंगे तो 7×14 14 वर्ष किसकी आयु निकल करके आ गई, मोनी की आयु निकल करके आ गई, यही चीज़ वहीं जो मैंने वहां किया वही चीज़ यहां कर सकते हैं आप, 2×7 आप कर देंगे तो कितना आया, 14 वर्ष आ रहा है, किसकी आयु, मोनी की आयु आ रही है, फिर इसके बाद देख रहे हैं सोनी की आयु 3×7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष, 7×21 वर्ष इनकी आयु, तो चाहे यही कर दे या इसी समीकरण में आपको करना हो तो सीधे कर ले। इस क्वेश्चन में करना क्या था, जो अंतर दे रहा हो उस अंतर को सीधे आपको देख लेना चाहिए था बच्चों, क्या है अंतर, किसके किसके बीच में दे रहा है, तो अंतर जैसे सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में अंतर, तो सोनी की आयु भी हमको नहीं पता है, मोनी की आयु भी नहीं पता हमको है, दोनों का अंतर बता रहा है 7 है। अब हमको क्या करना होगा, चूंकि मैंने कहा है कि जब किसी के आयु में जो इस रूप में अध्ययन करके दिया हो कि 1/4 का अंतर है, 1/3 का अंतर है, 2/3 का अंतर है, 3/4 का अंतर है, कुछ इस तरह का डिफरेंस दिया हो, तो उसमें क्या करते हैं सीधे तुलना कर लेते हैं, तुलना करने पर अनुपात निकाल लेते हैं उनका, अनुपात जो दिया हो तो अनुपात जैसे 2/3 का अनुपात दिया है, ठीक है, तो 2/3 कर लेंगे, अगर 1/4 का अनुपात देते तो 1/4 कर लेते, 3/4 का दिया होता 3/4 कर लेते, 2/3 का देता तो 2/3 कर लेते, जो भी अनुपात यहाँ पर कितना दिया है 2/3, क्या क्या मैंने बताया ये बात थोड़ा नोट कर लीजिएगा दिमाग में, 1/3, ठीक है, 3/4, 2/3, ठीक है, और इसके अलावा 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, और 1/4 अगर क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से, 1/4 दे सकता है, 1/3 दे दिया हो, 3/4 दे रहा हो, 2/3 दे रहा हो, कुछ देगा, तो यहाँ पर क्या दिया था 2/3, यानी 2/3,
दो तिहाई मतलब 2/3 यही अनुपात कर लेंगे बच्चों, और जिसके मध्य में दिया हो अगर क्वेश्चन में और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से आप उसका मान निकाल लेंगे, तो उसके मान x जो माने रहेंगे x में वही चीज है, अनुपात जो रहेगा उसको जोड़ देंगे। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, देखिए मोनी सोनी का निकाला, यहां अनुपात निकाला 2/3 यानी मोनी के साथ 2 जुड़ेंगे, सोनी के साथ 3, ठीक है। अब x इसी में ही पे हम लोगों ने मान लिया था, इसके बाद x मानेंगे तो 2x इनका हो जाएगा मोनी का, और 3x ये हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से प्रश्न अगला क्वेश्चन लेते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं ये अगला क्वेश्चन कैसा है। इसमें क्या कह रहा है, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, किसके किसके में, टीना एवं मीना, मीना जी हैं, टीना जो पहले दिया रहेगा उसी में से एक माइनस करते हैं बच्चों। टीना की आयु, टीना मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है यानी -5 यानी 5 हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4, तो सीधा सा वही क्वेश्चन, 3/4 आ गया यहाँ पे, मैंने क्या 1/3 अगर आए, 3/4 आए, 2/3 आए, 1/4 आए, यही मान बनेगा जो भी मान दिया रहेगा, ठीक है, इन चार में से ही कोई एक दिया रहेगा, ठीक है। तो या 2/5 कह रहा है, कुछ भी दे सकता है, मतलब 2/5 ये भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो भी मान दिया रहे आप उसको कैसे करेंगे, सीधा सा क्या कह रहा है, मीना की आयु जो है टीना की आयु की, तो मीना जी की जो आयु बता रहा है, मीना की आयु जो है वह बराबर है कितने की, मीना की आयु टीना की आयु की 3/4, किसकी, टीना की आयु की कितनी है, 3/4, ये इसके साथ ऐसे होगा कंडीशन। अब क्या हो जाएगा, मीना बटे टीना अगर करेंगे हम तो बेटा क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ सीधे सीधे हो जाता है, सीधे सीधे किसका हो जाता है, आयु ही मान ली जाती है सीधा सीधा, तो मीना बराबर अनुपात आपने पढ़ा होगा, अनुपात प्रश्न में हमने बताया इस तरह का अगर अनुपात हो तो सीधा सीधा उसका हो जाता है, ठीक है। तो मीना की आयु जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सीधा सीधा यही पहचाने तो 3 कर सकते हैं, और टीना की आयु जो हो वो 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखिए ऐसे तो हमारा आंसर आने से रहा, क्योंकि हमें इनकी मूल आयु तो पता ही नहीं है, अब हमको 3 है लेकिन कितना है उनका बेस तो मानना पड़ेगा, एक्स वाई कुछ मानना पड़ेगा, तो एक्स मानेंगे तो 3x हो जाएगी मीना की आयु, और टीना की आयु जो है 4x हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी। अब हमें x का मान पता है नहीं, तो x का मान यही टीना की आयु को इसमें फिल करेंगे, x का मान हमारा आ जाएगा, x का मान जो आएगा उसी मान को, x का मान जो आएगा वही टीना की आयु में, यानी कि ये जो आपकी है मीना की आयु इसमें भर देंगे, और टीना की आयु इसमें भर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ गया है हमारा, देखो यहाँ पे टीना की आयु दे रहा है, टीना यानी 4x, टीना की आयु क्या है बच्चों, 4x, ठीक। और ऐसे ही क्वेश्चन जब देखिए तो सरल कैसे करेंगे, मैं आपको और स्पीड तरीके से बता दूं, यहां पर क्वेश्चन दे रहा था मीना की आयु टीना की आयु की 3/4, तो मीना की आयु टीना की 3/4 है ना, तो सीधा मीना की जो आयु होगी ऊपर वाली राशि होगी, यहां पर 3/4 है तो मीना की आयु 3 हो जाएगी, अगर व्यवहारिक रूप में आप करेंगे सीधे तो मीना की आयु 3 हो गई और टीना की आयु 4 हो गई, तो 4 क्या 3/4 आई, तो उसमें x लगा देंगे तो 3x जो हो गई वह मीना की आयु हो गई, और 3 टीना की आयु जो है वो 4x हो जाएगी, यानी कि जिसके साथ जैसे यहाँ पे लगा है ना, देखो यहाँ पे मीना है बराबर टीना इंटू ये है, तो ये वाली जो राशि पहले जो राशि होती है जो बराबर में होती है वो पहले ऊपर वाली राशि यानी अंश उसका होता है और बाकी वाले का हर होता है जो इसके साथ होता है, ठीक है। यही माना आप यहाँ पे देखिए, जब आप सरल करेंगे तो ये इस पक्ष में आ जाएगा, तो इसकी आयु ये, इसकी आयु ये हो जाएगी, क्लियर। अब इससे ये निकल के आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम इस मान को यहाँ फिल कर रहे हैं हम लोग, मीना की आयु क्या कह रहा है बच्चों, 3x = 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए 4x में से 3x चला जाएगा तो क्या बचेगा बेटो, x बचेगा, एक x बचेगा, लेकिन एक लिखते नहीं, आपको मालूम होना चाहिए इनटू में भी एक नहीं लिखते थे कहीं पे, x राशियों में भी नहीं रखेंगे, यहाँ पर एक x लिखा नहीं जाता है कभी भी, तो सीधे 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा ना बेटा, x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया बेटा, 5 आ गया हमारा, 5, ठीक है। जब x का मान 5 आ गया तो यहीं पर हम भर दें, ये फिल कर दें, या तो यहीं कर लें, तो हम लोग यहीं कर लेते हैं, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 5 आया है, x का मान 5, 5 जो के 20, तो 20 वर्ष किसकी आयु हो गई, ये टीना जी की आयु 20 वर्ष हो गई, ठीक। अब यहां पर देखें मीना जी की आयु अगर हम देखते हैं, तो मीना जी की जो आयु होगी वो 3 × 5 हो जाएगा, यानी 15 वर्ष हो गए, यानी 15 वर्ष किसकी आयु हो गई, ये मीना जी की आयु हो गई। और एक बात और भी जान लीजिए, अगर कहीं अगर पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर कहा है क्या कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से अगर पढ़ें, यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, तो मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, तो 3/4 किसकी आयु है,
तीन चौथाई इनकी आयु है, तो तीन चौथाई जब आयु होगी यानी कि कम आयु होगी कि नहीं मीना की? कम आयु होगी, सॉरी, कम आयु होगी किसकी? मीना जी की। ज्यादा आयु होगी किसकी? टीना जी की। उसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, मोनी की आयु सोनी की दो तिहाई है, तो सोनी की दो तिहाई है यानी कि सोनी से कम है, दो तिहाई है, तो छोटी आयु किसकी हो जाएगी बेटा? यहां पर मोनी की आयु छोटी हो जाएगी, बड़ी आयु किसकी होगी? सोनी की आयु बड़ी होगी। क्लियर हो रहा है ना? तो ये चीज ऐसे ही स्पष्ट हो जाती है। तो यहां पर देखिए, मीना की आयु यहां पर कहा मैंने छोटी होगी ना, दो तिहाई इनकी, तीन चौथाई कह रहा है, ठीक है। यानी कि अगर इनका जो भी एज होगा, अगर इनकी 10 वर्ष एज होगी, ठीक है, किसकी? टीना की 10 वर्ष होगी, तो तीन चौथाई 7.5 वर्ष इनकी आयु होगी मीना की। क्लियर? ऐसे व्यवहारिक तौर पे क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर आप सॉल्व किए तो आंसर आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या था आपको? टीना की आयु बताना, तो टीना की आयु कितना बताया? 20 वर्ष। उस क्वेश्चन में जो पूछा था वो क्या पूछा था? सोनी की आयु, तो सोनी की आयु। अगर इसी की जगह पर मीना की आयु पूछता तो 15 वर्ष आप बता देते, ठीक है। तो उम्मीद है ये कि ये वाला जो आपको जो तरीका है वो थोड़ा समझ में आया होगा। और आज आप लोगों ने आयु संबंधी क्वेश्चंस में जो है योग पर आधारित और अंतर पर आधारित प्रश्नों को, दो तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया। इन प्रश्नों को आप और एक बार दो बार प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो देखिएगा, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन फिर आपको कभी डराएगा नहीं और आपको आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही अपना साथ और प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ। कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए और बेहतर कुछ प्रयास किया जाए। फंडामेंटल मैथ पढ़ रहे हैं, इस नाते हम लोग किसी चीज़ को मैं कई कई बार रिपीट करता हूं, उसके पीछे का मोटिव यही रहता है कि हमारे वे विद्यार्थी भी जो बिल्कुल बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं उनको भी ये समझ में आ जाए। और किसी भी तरह की कोई त्रुटि होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रयास करेंगे उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।